मुंगेर के चिरम्बा गांव में एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजनों का आरोप था कि दिल्ली में रहने वाले उसके दोस्तों ने ही उसकी हत्या की है, जिसके बाद शव को दफनाने जाते वक्त परिजनों ने आरोपियों के घर में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। युवक की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, आरोपियों के घर में की तोड़फोड़, घर में लगाई आग। दिल्ली में गांव के ही दोस्तों के साथ रहता था मृता। दिल्ली में ही शराब में जहर पिलाकर मारने का लगाया आरोप। मुंगेर के चिरम्बा गांव में रहने वाले चार युवक मोहम्मद आशिफ, मोहम्मद काशिफ, नन्ने और बिट्टू दिल्ली में रहते थे, जबकि मोहम्मद आशिफ और मोहम्मद काशिफ दोनों भाई थे। वे सभी जींस की एक फैक्ट्री में काम करते थे और सभी एक साथ एक ही कमरे में रहते थे। वहीं मृतक आशिफ का भाई ईद पर्व को लेकर शुक्रवार को मुंगेर आ गया था। शनिवार को देर शाम मोहम्मद आशिफ के परिजनों को सूचना मिली थी कि मोहम्मद आशिफ की तबीयत खराब है और दिल्ली के एक निजी क्लिनिक में वो भर्ती है। वहीं कुछ घंटों के बाद उसकी मौत की खबर परिजनों को मिली। मृतक आशिफ के भाई मोहम्मद काशिफ का कहना है कि बिट्टू और नन्ने ने शराब में जहर मिलाकर आशिफ की हत्या की। तीन नाम का जो यूपी का है, ठीक, वो उसको कॉल करा, उसका मालिक, मेरे भाई का मालिक, उसको कॉल करा। वो मेरे को सत्तरवा में है एक दोस्त, उसके पास करा, मेरे पास मोबाइल नहीं था, सिम लगा बनाया था, उससे नंबर मंगाया। हम उससे बात करे, मेरा दोस्त मालिक का उसके नंबर दिया, हम बात करे, बोला कुंजी तुम्हारे भाई का तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में है, ठीक है। तो मेरे बाप का नाम पूछा, हम बोले मोहम्मद फिरोज आलम नाम है, बोले ठीक है फोन रखते हैं। रखे फोन, अम्मी को बोले कि अम्मी सीरियस हालत है आसिफ। तो मेरी अम्मी गई नानी के थोड़े दिन, मेरा मामा था सोनी, मामा सोनी मेरा मामा था, मेरे मामा को बोला कि मेरा भाई बेटा वहाँ वहाँ रहता है, उसके पास जाओ, ठीक। तो मेरा मामा गया वहाँ, उसके पाँच मिनट बाद कॉल आया, आसिफ का मालिक बोला कि खत्म हो चुका। जब आशिफ का शव दिल्ली से मुंगेर आया और उसको दफनाने की तैयारियां चल रही थी, परिजन आशिफ को दफनाने जा ही रहे थे कि उनका गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया। गुस्साए परिजनों ने दोनों आरोपियों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ की और आगजनी भी की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू किया। पुलिस का कहना था कि हत्या दिल्ली में हुई है, हालांकि मामले में परिजनों के आवेदन पर मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही मृतक के परिजनों को पारिवारिक सहायता के रूप में 20,000 रुपए भी दिए गए। परिजनों द्वारा यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि यहीं के चुरम्बा के ही एक निवासी हैं, उनके द्वारा ये कार्य किया गया है, जहर देने का कार्य किया गया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा एक केस भी दर्ज किया गया है, पोस्टमार्टम भी वहाँ पर हुआ है, आज उसका मृतक का मिट्टी का कार्य भी हो गया है। हम लोग आज यहाँ पे आए हैं, कुछ ग्रामीण जो यहाँ पे वो संवेदना में आक्रोशित होकर के जो जिन पर शक हो रहा है तो उन्होंने ही जहर दिया है, उसके घर पे भी कुछ जो अटैक करने का कोशिश हुआ, लेकिन फिर उसको स्थानीय प्रशासन द्वारा उसको कंट्रोल कर लिया गया। अभी यही स्थिति है कि जो मृतक हैं उनकी माता को हम लोग हॉस्पिटल में भेजे हैं, चूँकि वो चार दिन से बिल्कुल कुछ खाई नहीं है, जब से उनके मृत होने की खबर मिली है, यही स्थिति है। बाकी जो सरकारी सहायता होगी वो हम लोग देंगे। आखिर ये मामला क्या है, इसका खुलासा आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही हो सकेगा। क्या वाकई आसिफ की हत्या की गई है या मामला कुछ और ही है? गुनाह के लिए मुंगेर से मनीष कुमार की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।